गाइस आप देख सकते हैं पानी की टंकी कैसे बना रखी है गौ माता के थन से। यहाँ से पानी पी सकते हैं आप देख सकते हैं ये पानी पीने का है। वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं नैनीताल से, 30-35 किलोमीटर आ गए हैं। जगह का नाम तो हमें फ़िलहाल अभी पता नहीं है। हम एक आश्रम आए हैं और काफ़ी बड़ा आश्रम है। आश्रम का नाम है माँ योगी पायलट बाबा आश्रम, और अभी आपको आश्रम दिखाते हैं। बहुत बड़ा आश्रम है और एक पास में मंदिर भी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो आपको आश्रम दिखाते हैं, काफ़ी बड़ा आश्रम है। गाइस आप देख सकते हो ये गणेश भगवान जी की मूर्ति है, कितनी बड़ी है। और बाकी आप आश्रम आपको दिखाते हैं, पीछे माता जी की मूर्ति है और इस साइड में मंदिर है, सिद्ध मनोकामना महादेव सोमनाथ मंदिर। और आपको गाइस अंदर लेके चलते हैं। गाइस यहाँ गणेश जी की मूर्ति है और भगवान शिव की, और अंदर माता रानी की बहुत बड़ी मूर्ति है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है आप देख सकते हैं। इधर भी माता जी की मूर्ति और दीवारों पे भी मूर्तियां बनी हुई हैं, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ आकर। और इधर भी आप देख सकते हो माता जी की मूर्ति, और साइड में दीवारों पे भी मूर्ति बनी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। और आप घंटा देख सकते हो, ये प्यारी जगह है। आप माता जी के दर्शन कर सकते हो। हम आपके लिए दुआ करते हैं आप सब लोग ठीक हों। गाइस ये माता जी की मूर्ति, जय माता दी। और ये साइड में मूर्ति बनी हुई है, एक यहाँ माता जी की मूर्ति है। और यहाँ शिवलिंग, शिवलिंग यहाँ हरि बाबा, अवतार बाबा, संतोषी बाबा, आप इधर भी देख सकते हो। इधर भी काफ़ी मूर्तियां हैं माता जी की और ये गुरु जी की, इनका नाम तो हमें पता नहीं है। ये माता जी की जय श्री राम, बहुत बड़ी जगह है दोस्तों, काफ़ी बड़ी जगह है और मंदिर भी काफ़ी बड़ा है, पर इसे आश्रम के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत प्यारी लग रही हैं। श्री माँ योगी पायलट बाबा, इनके नाम से है प्रसिद्ध मंदिर ये आश्रम। और ये माता जी की मूर्ति। गाइस ये यहाँ का बाहर का नज़ारा है, आप देख सकते हो नीचे पानी भी खड़ा है एक जगह, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये आश्रम की छत पे खड़े हम, तो आप बाहर से देख सकते हो बहुत बड़ा आश्रम है। तो श्री शिव शक्ति धाम, श्री पायलट बाबा आश्रम, वो आपको यहाँ भी अंदर लेके चलते हैं।
आप देख सकते हैं भारत माता कितनी प्यारी मूर्ति है, भारत माता की, और बहुत बड़ी है दोस्तों। ऐसा नज़ारा कभी कभी देखने को मिलता है। और ये पायलट बाबा, और आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ जुड़ने का मतलब मिलजुल के रहें, भारत का एक भूगोल नक्शा बना रखा है। गाय साहब ये नज़ारा देखो, बहुत ही प्यारा है। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो आज तक बहुत हमने कम देखी हैं ऐसी। और ये यहाँ तीन बंदर हैं जो गांधी जी ने बोला था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। हम नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ भोलेनाथ जी की मूर्ति है बहुत बड़ी दोस्तों, इतनी प्यारी जगह। ये आश्रम बहुत बड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है मूर्ति। गाइस ये अंदर का है जहाँ भंडार है। ये इस तरफ भी मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ लाइब्रेरी मतलब किताबें, आप देख सकते हो ये यहाँ के गुरुजी हैं जो रहने यहीं रहते हैं। गाइस से ये अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, नीचे आप देख सकते हो दो मंदिर हैं और काफ़ी गहराई में है ये। और आप पीछे का सीन देख सकते हो कितना प्यारा है, ऊपर बादल ही बादल हो रहे हैं, कोहरा ही कोहरा। गाइस एक यहाँ साइड में मंदिर है, ये काली माता का मंदिर, काली माता की मूर्ति। और शिवलिंग और माता जी की मूर्ति। दोस्तों आप देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है, और इसके छत का झूमर कितना प्यारा लग रहा है, और डिजाइन भी। गाइस आप देख सकते हैं ये पानी की टंकी कैसे बना रखी है गौ माता के थन से, यहाँ से पानी पी सकते हैं आप। आप देख सकते हो ये पानी पीने का है। और आज आगे आप मूर्ति दे सकते हो।
गाइस आप यहाँ भी देख सकते हैं बजरंग बली की कितनी बड़ी मूर्ति बजरंग बली जी की, और नीचे भी काफ़ी मूर्तियाँ हैं। दोस्तों ऊपर से एक जहाज़ जा रहा है, हेलीकॉप्टर वो जा रहा, छोटा सा दिखाई दे रहा। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना ये आश्रम पायलट आश्रम कैसा लगा, और बहुत ही बड़ा आश्रम है, इतनी मूर्ति हैं बहुत ज़्यादा। दोस्तों हमने तो आज तक इतनी मूर्ति किसी मंदिर में देखी नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना ये पायलट बाबा का आश्रम कैसा लगा। और थैंक यू दोस्तों, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, आपका प्यार और सपोर्ट बनी रहे, थैंक यू।